चिल्ड्रन अभी जो है ना मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, 4/9 x² + 2xy² + 9/4y⁴, ठीक है। अब देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है ये भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है 2 का और 9 स्क्वायर है 3 का x² से आपके पास है। लास्ट टर्म आप देखो 9/4 लिखा हुआ है, 9 इसका स्क्वायर है 3 का और 4 जो है अपॉन में दिया हुआ है वो है 2 का स्क्वायर, ठीक है। जिस तरह मैंने ये फार्मूला लिखा है यहाँ पर ये सेम एज इट इज कंडीशन हमारे पास अप्लाई होगी, ठीक है। आप देखिएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास 2 यानी 4/3x और ये होल स्क्वायर करेंगे तब ये सेम एज इट इज है। आखिर में जाके 3 आपके पास गिवन है अपॉन में 2 और उसके साथ हम y स्क्वायर और होल स्क्वायर रखेंगे, अब ये आपके पास सेम एज इट इज है। और मिड टर्म जो है ना आपके पास 2 फार्मूले का a की वैल्यू आप देखो 2/3 a की वैल्यू आपके पास 2/3x रखेंगे, b की वैल्यू जो है ना हमारे पास वो है 3/2 y स्क्वायर और ये होल स्क्वायर आपका बन स्क्वायर आपके पास यहाँ पर y का आएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास मेरे बच्चों हम इसको इस तरह कर देंगे 2/3x + 3/2 y² और ये होल स्क्वायर करके लिखेंगे, ये आपका आंसर है मेरे बच्चों, ठीक है। बात समझ में आ गई बच्चों। अभी जो है क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 14, x² y² z² - 4xy + 4। यहाँ पर नेगेटिव है, इससे पहले जो मैंने फार्मूला लिखा था उसमें पॉजिटिव साइन थी, यहाँ पर भी जो ना फार्मूला मैंने इसके लिए लिखा है उसमें मैंने नेगेटिव साइन दी है, ठीक है। अब हमारे पास जब इसको हम सॉल्व करेंगे तब हमारे पास एक्स वाई जी और होल स्क्वायर आपके पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपके पास स्क्वायर वाली है, उसके बाद आप लास्ट टर्म आप देखो 4 जो है स्क्वायर्ड है किसका 2 का, ठीक है, वो भी मैंने दे दिया। देखो बी स्क्वायर यानी आपके पास ये बी की वैल्यू बन गई। अब माइनस की साइन यहां पर भी रखेंगे, 2 फार्मूले का आएगा, ठीक है। ए की वैल्यू जो है ये वाली रखी हुई है एक्स वाई और जी मैंने दिया, उसके बाद ये 2 आप जब इनको करेंगे ना 2 × 2 = 4 होगा, ये सेम एज इट इज बन जाएगा, ये भी आपके पास सेम एज इट इज रखा हुआ है। अब आगे जो है मेरे बच्चों एक्स वाई जी -2 और होल स्क्वायर करके रखेंगे, ये आपका आंसर है। बात समझ में आ गई ना मेरे बच्चों, ठीक है बच्चों। अभी जो मैंने क्वेश्चन लिखा क्वेश्चन नंबर 16 है, यहां पर a⁴ - 0.4a² + 0.04 है, ठीक है। फार्मूला हमारे पास सेम एज इट इज यूज होगा। आप देखें यहां पर a⁴ जो रखा हुआ a² और होल स्क्वायर करके रखेंगे, ठीक है। आखिर में जो आपके पास नंबर रखा हुआ है 0.04 है, ये यानी 0.04 जो है 0.2 का स्क्वायर है। अब यहां पर नेगेटिव साइन, वो भी मैंने नेगेटिव साइन दे दी। a की वैल्यू आपके पास a² है, b की वैल्यू आपके पास 0.2, तब मेरे बच्चों इसको हम a² - 0.2² करके लिखेंगे, ये आपका आंसर है। बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 17 मैंने लिखा है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे आपके पास सेम एज इट इज कंडीशन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये वाला ही फार्मूला यहां पर यूज होगा। 9 जो है ना स्क्वायर है हमारे पास 3 का, आखिर में आप देखें आपके पास a⁴ लिखा हुआ है, मैं इसको इस तरह करके लिख सकता हूं a⁴² और होल पावर जो है ना और स्क्वायर आएगा, क्योंकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो -2 फार्मूला, a की वैल्यू आपके पास 3 है, b की वैल्यू जो है ना वो ये है सिर्फ और अंदर जो रखी हुई है a⁴ और होल स्क्वायर करके देंगे, यहां तो बात समझ में आ गई, ठीक है ठीक हाँ ठीक है बच्चों। अब देखें यहां पर 3 माइनस और उसके बाद a⁴² और होल यहां पर स्क्वायर आएगा, ये इसका हमारे पास आंसर है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। अभी 19 मैंने क्वेश्चन लिखा है, 19 इस क्वेश्चन में आपके पास ax⁴ - a/16 लिखा हुआ है, ये जो है ना आपके पास फार्मूला मैंने लिखा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट ए माइनस बी, या आप ए माइनस बी पहले लिखो ए प्लस बी बाद में लिखो, बोथ आर सेम। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पर चेक करेंगे, आपके पास यहाँ पर ax पावर 4 माइनस a अपॉन 16, a यहाँ पर सिर्फ हो तो इसकी पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, न्यूमेरेटर में से आप a कॉमन लोगे, जब हमने a कॉमन ले लिया अंदर आपके पास इस तरह कंडीशन बन जाएगी 1 अपॉन 16 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास ये दो टर्म्स, दोनों टर्म्स आपकी स्क्वायर में रखी हुई है, एक्स स्क्वायर मैंने रखा माइनस 1/4 हमने दिया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 16 जो है स्क्वायर है 4 का। ठीक है, अब हम इसको फर्दर ओपन करेंगे, जो मैंने फार्मूला लिखा है उस तरह यहां पर हम रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 आप दोगे। ठीक है, उसके बाद ठीक है बच्चों, यहां पर आप देखें मैंने यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस एक्स सॉरी ब्रैकेट दूसरी जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1/4। अब हमारे पास यहां पर दोबारा इसमें फार्मूला अप्लाई होगा, आप देखें एक्स स्क्वायर परफेक्ट है, फिर उसके बाद हम इस तरह करके लिखेंगे 1/4 जो है ना ये भी हमारे पास परफेक्ट है, तो ये 1/2 का स्क्वायर बन गया और एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 हम सेम रखेंगे। ठीक है, अब आगे देखिएगा बच्चों, यहां पर हमारे पास ए हमारा सेम आएगा और इसको हम दो मरतबा करके लिखेंगे, आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहां पर भी फार्मूला खुलेगा एक्स प्लस 1/2 रखेंगे, उसके बाद एक्स माइनस 1/2 रखेंगे और दूसरी जो ब्रैकेट है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 हो जाएगा, ये आपका आंसर है। बच्चों समझ में आ गई बात? ठीक है,